हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम एक डेली न्यूज अपडेट नाम से नया एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम रोज़ के जो भी शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव हुए रहेंगे, उसकी घटनाएं जो हुई रहेंगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो भी चाहे वो किसी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज आएगा, उसके बारे में हम शाम को इसमें कवर करके इस वीडियो को अपलोड करेंगे। इस वीडियो में आप जाकर इस एक ही चैनल पे मात्र 5 मिनट के अंदर हम सारे न्यूज़ को आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस एपिसोड के पहले चैप्टर की। यहाँ देख रहे हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत के लाभों का उठाकर अमेरिकी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय पचीनों को बढ़ाने के विस्तार करने में मदद करने के लिए तैयार है। अर्थात महिंद्रा एंड महिंद्रा अमेरिकी कंपनियों को अपने लाभों के माध्यम से मदद करने के लिए तैयार हो गया है। इसके अलावा आदित्य बिरला, जो दूसरा न्यूज है वो है आदित्य बिरला कैपिटल ने समौता रियल्टी डेवलपर आगामी रियल्टी की प्रीमियम आवास योजना को 400 मिलियन का निवेश किया है। अर्थात आदित्य बिरला कैपिटल ने 400 रुपये का जो निवेश किया है, जिसमें मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास कलानगर में एक हाउसिंग सोसाइटी का पुनर्विकास शामिल है। अशोक लेलैंड अगले कुछ महीनों में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी में लगभग 12 बिलियन का निवेश करने जा रही है। तो आप जो है अशोक लेलैंड के शेयर पे ध्यान रख सकते हैं। DLF की सहायक कंपनी DHDL ट्राइडेंट के साथ एक परियोजना को शुरू किया है, जो कि मुंबई में 2.5 मिलियन वर्ग फुट की परियोजना के पहले चरण में इन्होंने हाथ मिलाकर और इस परियोजना को शुरू किया है। टाटा मोटर्स ने अल्ट्रोज लाइन अप XM और XMS में 2 नए वेरिएंट लॉन्च किए हैं। अर्थात जिसकी कीमत 6,90,000 से 7.5 लाख के आसपास है। अर्थात टाटा मोटर्स से संबंध जो शेयर है उस पर आप देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। बैंक संभवतः वेदांता लिमिटेड में अपने एक्सपोजर को लेकर सतर्क हो गए हैं। उन्हें चिंता की जो ऋण के बोझ को कम करने के लिए बड़े लाभांश भुगतान से उस घरेलू इकाई की बैलेंस शीट पर दबाव पड़ेगा। अर्थात जो वेदांता लिमिटेड है उस पे बैंक संभवतः कुछ जल्द ही डिसीजन ले सकते हैं। अमेरिकी खाद्य औषधि प्रशासन ने तेलंगाना में अरविंदो फार्मा की इकाई को 3 टिप्पणियां जारी की है, अर्थात 3 उससे संबंधित न्यूज जारी किए हैं। इसके अलावा अमेरिकी खाद्य औषधि प्रशासन ने मलेशिया में बायोकान SDN BHD को 8 जानकारियां दी हैं। जो बायोकान बायोलॉजिक्स की स्टेप वन डाउन सहायक कंपनी है, जो कि बायोकान लिमिटेड की सहायक कंपनी है। अर्थात केनरा बैंक जून तिमाही का उसने अपना रिजल्ट पेश कर दिया, उसमें 1,739 करोड़ का जो रिवेन्यू प्राप्त हुआ है, जो कि पिछले साल इसी महीने में था 2,179 करोड़ का। इसका NPA 5.16% पे कम होकर रह गया है, जो कि पिछले साल था 5.35%। उधारी पर शुद्ध NPA 1.5% बनाम मतलब रहा है इस समय, जो कि पिछले साल की तुलना में 1.73% से कम हो गया है। बिरला सॉफ्ट जनरेटिव AI उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है। अर्थात बिरला सॉफ्ट के जो शेयर हैं उस पर आप ध्यान दे सकते हैं, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है। SJVN की पूर्व स्वामित्व वाली कंपनी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 1200 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद के लिए पंजाब स्टेट बैंक कॉर्पोरेशन लिमिटेड से आशय पत्र प्राप्त किया है। इससे संबंधित हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि उसमें कितना प्रोजेक्ट है, कैसे क्या प्रोजेक्ट है, उसके बारे में डिटेल बनाया हुआ है। उसको आप जाकर इस चैनल पे स्टॉक मार्केट शेयर पे जाके आप देख सकते हैं। महिंद्रा एक निर्माण केंद्र के रूप में भारत के लाभों को उठाकर अमेरिकी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय पचीनों और बदार करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। परसिस्टेंट सिस्टम ने इस वित्तीय वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि लागू कर दी है, जो कि इस महीने से लागू हो जाएगी। भारत में औसत वृद्धि 7.5% है और भारत के बाहर 3.5 से 4% के आसपास रहने की संभावना है। इसके अलावा लिपिन लिमिटेड अमेरिकी कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट ने डिजिटल थेरेपी टूकी के साथ भारत में घरेलू हृदय देखभाल में क्रांति लाने के लिए सहयोग की घोषणा की है। CFM मोजाम्बिक द्वारा लोकोमोटिव वैगन की खरीद के लिए आमंत्रित निविदा में राइट लिमिटेड सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बन गई है। अर्थात राइट लिमिटेड ने सबसे कम बोली लगाई है। TCS BNCS द्वारा संचालित डिजिटल फर्स्ट प्लेटफॉर्म के साथ आयरलैंड में AI लाइफ लॉन्च ऑपरेशन में मदद करने जा रही है। अर्थात TCS जो है वो आयरलैंड की AI के साथ मदद करने वाली है। समर्थन मदर्सन इंटरनेशनल लिमिटेड ने SMRPVV के सहायक कंपनियों के अन्य समूहों के संस्थाओं के माध्यम से कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सामग्री सहायक कंपनी संवर्धन मदर्सन ऑटो सिस्टम ग्रुप द्वारा अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है। अर्थात संवर्धन मदर्सन इंटरनेशनल लिमिटेड ने एक कंपनी के अधिग्रहण करने जो जा रही है उसके लिए मंजूरी मिल गई है। TCS मोस्टर का जो जून तिमाही का रिजल्ट आया है उसमें शुद्ध लाभ
441 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले साल 297 करोड़ का था। साथ ही साथ राजस्व में भी बढ़ के 7316 से 9056 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। SRF लिमिटेड जून 2021 का भी नतीजे आए हैं, उसमें बताया गया कि शुद्ध लाभ इसका जो घट के 608 करोड़ से 359 करोड़ पे आ गया है ईयर ऑन ईयर बेस पे। वहीं राजस्व जो वो भी घट के 3289 करोड़ पे आ गया है 3852 करोड़ से। इसके अलावा ITC बोर्ड ने सैद्धांतिक तौर पर टोटल कारोबार को अलग करने के लिए मंजूरी दे दी है। जल्दी इसमें आप देखेंगे कि ITC में इसका डीमर्जर होने की संभावना है। इसके अलावा HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के भी नतीजे आ गए हैं, जिसका शुद्ध मुनाफा 477 करोड़ रहा है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में 367 करोड़ का शुद्ध मुनाफा रहा था। दोस्तों, ये रहा आज का जो कुल अपडेट है, यानी डेली न्यूज़ का जो भी मुख्य जो खबरें थी उसको हमने बता दिया है। इसमें जो भी कंपनी के बारे में बताया गया उसके पर आप नज़र रख सकते हैं, और इस वीडियो में आपको जो भी कमी लग रही है उस पर कमेंट करके बता सकते हैं। हम अगले जो वीडियो जब भी बनाएंगे, यानी कल जब भी बनाएंगे, तो उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप इस पर सजेशन भी दे सकते हैं कि इसमें क्या सुधार की संभावना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर जो इस नए वीडियो की अपडेट है आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।